खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में देश की दिग्गज महिला खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप लगाए। लेटर भी बना रहा है, वहाँ शोषण इजिली हो, हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाजी इतना है कि हमारी। तो वहीं अब बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ब्रजभूषण सिंह को पाक साफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां तक मैं ब्रजभूषण सिंह को जानता हूं, वो ऐसे नहीं हो सकते। सुन लीजिएगा बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः हैं आदमी और न्यूज चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है। क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है। तो आपने सुना बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को क्या कह रहे हैं। कभी कभी खिलाड़ियों का शोषण होता है। फिलहाल बीएसपी सांसद को ये सवाल नहीं देता है कि वो इस तरह से जांच से पहले ही किसी को क्लीन चिट दे दें, जब सवाल देश की बेटियों का हो, और वो भी वो बेटियां जिन्होंने देशवासियों के लिए मेडल जीते हों, जिन बेटियों पर पूरे देश को नाज हो। उन बेटियों के बारे में तो एक बार सांसद महोदय को सोचना चाहिए, उसके बाद ही क्लीन चिट देना चाहिए। फिलहाल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को भी अभी दोषी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्या पता उन पर लगे सारे आरोप गलत हों। लेकिन ये तभी होगा जब एक निष्पक्ष जांच हो, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी निकले। साहब ये बताइए, जब तक जांच चलेगी उस टाइम तक भाई साहब ये सांसद जी अध्यक्ष रहेंगे या सस्पेंशन में रहेंगे? नहीं देखिए, सस्पेंशन नहीं है ना, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ये इन्होंने अपने आप को डे टू डे अफेयर से एज ए प्रेसिडेंट दूर कर लिया है, ताकि जांच में प्रेसिडेंट स्टेटस तो अभी प्रेसिडेंट ही आई है। लेकिन अभी जब तक जांच चल रही है कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। मीटिंग में इंटीमेशन के लिए तो फिर वहां पे रहेंगे क्यों, उनकी उपस्थिति वहां पे जरूरी है? एक दफा अभी डिस्कस कर लेंगे, वो जरूरी भी नहीं है कोई ऐसा, उन्होंने ये भी नहीं कहा। नहीं कार्यक्रम तो ऐसा है कि कार्यक्रम है, कार्यक्रम पे तो इतने में लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है कि अगर कार्यक्रम का मतलब ये है लिखा जाए सर्टिफिकेट पे इनके सिग्नेचर हो, आज की डेट में अध्यक्ष हैं ये, तो वो होता है, सिग्नेचर कुछ नहीं करेंगे। कौन पूंजीपति का नाम लिया जा रहा है, कौन वो पूंजीपति है? ये मुझे नहीं पता है कौन है। देखिए जवाब बताएगा, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, फाइनेंशियल है, और फेडरेशन की फंक्शनिंग है। फेडरेशन की फंक्शनिंग बता रहा है जो पिछले साल हमारे कम्पिटिशन हुआ करते थे, जहाँ 3 से 4। तो ये थे कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर, जो बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल खेल मंत्रालय ने इनको अब सस्पेंड भी कर दिया है। खिलाड़ियों को ज़्यादातर शिकायतें इन्हीं से थीं। फिलहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसके बारे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे, जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे, और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो
अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अब हम आपको सुनाते हैं बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को। बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए श्याम सिंह यादव ने किस तरह से अनुराग ठाकुर पर ही सवाल खड़े किए। कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कर दें, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है। कम से कम जो शूटिंग बॉडी है हमारी, अपेक्स बॉडी है, उसके बारे में तो मैं जानता हूँ। और ऐसा कई लड़कियों के साथ वहाँ भी ये शिकायत आई, शूटिंग में भी, लेकिन इसको वहाँ तो मिलकर के दबा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि हर केस का अलग अलग मेरिट होता है। मामला काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से श्याम सिंह यादव बता रहे हैं उससे तो लगता है कि हमाम में एक नहीं बहुत सारे नंगे बैठे हैं, बस ज़रूरत है तो वो उन्हें बाहर निकालने की। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा अभिमान मेरी बेटी जैसे तमाम स्लोगन से भरी पड़ी है सरकार, उसमें बेटियों की ये हालत वाकई चिंताजनक स्थिति है। हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। एक बार श्याम सिंह यादव का पूरा वीडियो फिर से सुनिए। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः हैं आदमी और न्यूज चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है इसमें दो राय नहीं। लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कह दूँ, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है। कम से कम जो शूटिंग बॉडी है हमारी, अपेक्स बॉडी है, उसके बारे में तो मैं जानता हूँ। और ऐसा कई लड़कियों के साथ वहाँ भी ये शिकायत आई, शूटिंग में भी, लेकिन इसको वहाँ तो मिलकर के दबा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि हर केस का अलग अलग मेरिट होता है। सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हालांकि मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो किसी से इंटरेक्शन होने पर 5 बार 10 बार 20 बार तो आप उसके बारे में काफ़ी जान जाते हैं। उनका जो कुछ भी हो, लोग कहते हैं मसल पावर है, ये है वो है, वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उनके चरित्र संबंधी है उसके मैं तो कोई उससे इत्तफाक नहीं रखता। जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत करता है, जी जान लगाता है पदक के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खेल संघ का जो ये प्रेसिडेंट है, ये है, उससे कम जी जान नहीं लगाता होने के लिए। और एक बड़ा फंडामेंटल नियम है कि जब कोई जांच होती है तो लोग कहते हैं कि ही शुड स्टेप डाउन, क्यों, जिससे वो जांच को प्रभावित न करे। यहाँ क्या है कि केवल उनके 2 महीने बाकी हैं और उनके 3 टर्म पूरे हो रहे हैं, चौथा टर्म वो लड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन CBI तक से जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो 2 महीने में क्या प्रभावित करना है, वो कोच को भेजते हैं, मैनेजर को भेजते हैं, 2 महीने के उनके टर्म में जो भी आगे कंपटीशन हो रहा है।